विद्यालय का समय 9:45 बजे आप प्रवेश कर जाएं और पहली घंटी लगने पर आप अपनी कक्षाओं में रहें। आपकी कक्षा में अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस के पश्चात जब दूसरी घंटी लगती है तब आप यहाँ प्रार्थना सभा में आएं, पंक्ति बंद होकर आएं। मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आप भूल गए हैं। आपने लाइन भी सीधी नहीं लगाई हुई है, सारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। आगे से और बगल से देखिए, लाइनों में कोई समानता नहीं है। तो ये सारी चीजें, अनुशासन, पंक्तिबद्ध होना, कैसे चलना, क्या क्या गतिविधियां, ये सब विद्यालय आपको सिखाता है। पर आप तभी सीख सकते हैं जब आपके अंदर अनुशासन हो और सीखने की लालसा हो। मैं सभी हाउस इंचार्जेस से भी अनुरोध करती हूँ कि प्रातःकाल प्रार्थना सभा में आप स्वयं भी उपस्थित रहें, बच्चों को पंक्तिबद्ध तरह से प्रार्थना सभा में लाएं। और अब तक बच्चे जिन गतिविधियों से विद्यालय की वंचित रहे, इस कम समय में उन्हें वो सब देने का प्रयास करें जिनके लिए कोई भी बच्चा विद्यालय ज्वाइन करता है। और खासकर CHS आने की जो उत्कंठा उसकी रहती है, हमारा प्रयास होना चाहिए इस कम समय में या जो शेष समय है उन बच्चों की वो सारी गतिविधियां हम पूरी करें और उनके आने के उद्देश्य को सफल करें। तो आप निर्धारित समय से आए और यहाँ पर हाउस के अनुसार आप व्याख्यान भी दें और आपकी जो सामान्य दिनचर्या है व्यवस्थित ढंग से उसे पालन करें और CHS में प्रवेश की अपनी इच्छा को एक सही मुकाम दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, निश्चित रूप से हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो हमारी इच्छा होती है उसमें फल लगे। बिना फल के तो हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं रहता। हम साल भर पढ़ते हैं इसलिए कि हमारा परीक्षा फल भी अच्छा हो। तो अब खाली समय में हम परिश्रम करें और ये प्रयास करें कि हम अपना बेस्ट देते हुए इस साल के जो भी समय बचे हैं उसका सार्थक उपयोग करें। समय बिताना नहीं है, अब बाकी समय को बिताना नहीं है, बल्कि इस समय के हर पल का सदुपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखारना है और विद्यालय के एक अच्छे छात्र के रूप में अपनी छाप छोड़नी है। बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो कल से आप प्रार्थना सभा में समय से आएंगे, गेट निश्चित बंद हो जाएगा, फिर गेट नहीं खुलेगा, दिन भर आना जाना नहीं है। अब 10 से 4 विद्यालय का समय है, खेल के समय आप खेलेंगे और कक्षाओं के समय कक्षाएं करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सुंदर लाइन दिखनी चाहिए, आगे से पीछे से बराबर की दूरी में एकदम सिधाई में सारे बच्चे देखने चाहिए कि लगे हाँ CHS के बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिया है। आप सब ईश्वर की अनमोल कृति हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, हे ईश्वर हमें उन अपनी अंतर्मुखी शक्तियों को सही ढंग से निखारने का अवसर दे। आप हमें ये सद्बुद्धि दे कि हम सन्मार्ग पर चलें। तो इसी भाव के साथ हाथ जोड़कर आप प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना से आपके विद्यालय की गतिविधि प्रारंभ होगी और फिर हम एक अच्छे बच्चे की तरह से, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी की तरह से सारी गतिविधियों को संचालित करेंगे। इसी समय में हम अपनी CCA गतिविधि भी करेंगे, इसी समय में हम पढ़ाई भी करेंगे और हम अपनी परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम मिलकर बाकी समय का बेस्ट उपयोग करते हुए इस सत्र को समापन की ओर ले जाएं। धन्यवाद बच्चों।